ओडिशा के अंगुल जिले में कोयला खदान हादसे में शुक्रवार को 2 और शव बरामद होने के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह हादसा मंगलवार को तलचर कोयला खदान के एक हिस्से के धंसने की वजह से हुआ। इस हादसे में 9 कर्मचारी घायल हुए हैं, जबकि 4 अन्य के वहां दबने की आशंका है। एक कर्मचारी का शव उसी दिन बरामद कर लिया गया था। महांदी कोलफील्ड्स लिमिटेड MCL के एक प्रवक्ता ने कहा, राहत दल ने आज मलबे से 2 और कर्मचारियों के शव बरामद किए हैं। हादसे में घायल हुए मजदूरों का तलचर में कंपनी के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि MCL अधिकारियों और NDRF का एक दल चौथे खनिक की तलाश के लिए अभियान चला रहा है। प्रवक्ता ने कहा, महाप्रबंधक सुरक्षा एवं बचाव के नेतृत्व में एक जांच समिति ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पटनायक ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रवक्ता ने कहा कि MCL भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगा। इसके अलावा ग्रेच्युटी भविष्य निधि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत पूर्ण मुआवजा और कोयला खदान पेंशन योजना के तहत अन्य लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य MCL में संविदा पर नौकरी के लिए भी योग्य होगा।